देख के आया हूँ। बहुत ही साफ सुथरा मशीनों से खाना बनाते हैं, बहुत ही हाइजीनिक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अक्षय पात्र की नाइट शेल्टर फीडिंग पहल का शुभारंभ किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सराय काले खान स्थित दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड सेंटर कॉम्प्लेक्स में आयोजित इवेंट में शहर के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की नाइट शेल्टर फीडिंग पहल का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत फाउंडेशन DUSIB द्वारा संचालित 209 रैन बसेरों में लंच और डिनर मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। 6,000 से ज्यादा बेघर लोगों को इस पहल का लाभ मिलेगा, जिनमें परिवार, बुजुर्ग व्यक्ति, विधवा महिलाएं, बुरी लत से जूझ रहे लोग, चिकित्सा के अभाव वाले लोग शामिल होंगे। यह आंकड़ा जाड़े के मौसम में दोगुना हो जाने की संभावना है, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग पूरे शहर में रैन बसेरों की मदद लेते हैं। लॉन्च इवेंट के बाद शेल्टर परिसर में भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मौजूद लोगों ने COVID-19 महामारी के दौरान भूख और कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए अक्षय पात्र के प्रयासों की सराहना की और फाउंडेशन के कार्यों को अपना समर्थन देने की इच्छा प्रकट की। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बेघर लोगों के लिए 209 रैन बसेरे बनाए हुए। इन रैन बसेरों में समाज के गरीब से गरीब लोग, बेघर लोग रहते हैं, जिनके सर पे छत नहीं होती, जो सड़क के किनारे रहते हैं, वो आके यहाँ पे सहारा लेते हैं। हमारी सरकार आने के पहले देखा जाता था कि रैन बसेरों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई। साल दर साल दिल्ली हाईकोर्ट से खूब डांट पड़ती थी कि उनको इस सुधार नहीं मिला, लेकिन हमारी सरकार ने, हमने व्यक्तिगत तौर पे इंस्पेक्शन कर करके और एडिकेट फंड्स दे के इन रैन बसेरों को बहुत अच्छा बनाया है। कोरोना के टाइम में हम लोगों ने यहाँ पे खाना भी सब लोगों को मुहैया कराना चालू किया, क्योंकि सबसे गरीब लोग रहते हैं। और आज अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर ये मुहिम चालू की गई है कि अब यहाँ पे परमानेंट तौर पे खाना दिया जाएगा यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, ताकि इन गरीब लोगों को कोई भी, हमारा मकसद है, अक्षय पात्र का भी मकसद है और दिल्ली सरकार का भी मकसद है कि कोई भी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, तो सबको अच्छा खाना दिया जाएगा, सबके लिए सब तैयारी है। कल से बिजली मार्केट खुल रही है, तो मैं लेकिन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिजली मार्केट में गरीब लोग अपनी दुकानें लगाते हैं और वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि मार्केट खुल रही है, लेकिन सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं। हमारी पूरी तैयारी है कि सेकेंड वेव से जो जो सबक रखे उसको लेकर, हमने तीसरी लहर की पूरी तैयारी की हुई है, बाहर से काम कर दिया, तीसरी लहर आए सब लोग बचे। Joined hands with the Delhi government. Has joined hands with the Delhi government. Today, Akshay Patra Foundation has joined hands with the Delhi government to feed all the people in the shelter homes here. Almost 6,000 now. Winter it may be 12,000. Akshay Patra Foundation is raising its own funds. We are not taking any funds from the government. We ourselves will raise donations and on a permanent basis we feed the shelterless people, because Akshay Patra's aim is no one should go hungry. And especially we see a lot of children are there here. We are very much interested in education. The children do not be supported with food for good education. This is a mission of Akshay Patra. No child in this country should go hungry. And it's also called food for education. So we are very happy to join the Delhi government to cover all the shelters. सर क्या क्या खाने में खिला रहे हैं आप लोग? दूसरी चीज क्या टाइमिंग रहेगी खिलाने की? लंच और डिनर, लंच में वी आर फीडिंग राइस, दाल, सब्जी, शाम को रोटी, सब्जी, दाल, और कभी उनको चाहिए तो राइस, राइस भी हो, और टू मील्स अ डे, टू मील्स। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।